बिलीव नहीं करोगे कि ये टी शर्ट ओनली 100 रुपीज में मिला है मुझे, और 30 रुपए मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं यार, 30 के दिए थे। आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे अपने घर में। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आई हूँ रैंडम ब्लॉग लेकर, जो कि रैंडम हॉल है। तो मैं पहली बार अलग टाइप का ब्लॉग कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहाँ गलती हुई है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, कुछ मॉल से, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, और कुछ मैं गई थी फेयर में, तो वहाँ से खरीदी। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इतना सारा कुछ है। तो ये है, और भी है ऐसे, ये है जो कि मैं खरीद कर लाई हूँ। और तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो पहले मैं वो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो मैंने मीशो से परचेज की है। तो मैंने मीशो से एक कॉम मंगवाया था, क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी हेयर फॉल से। और आज मैंने फर्स्ट टाइम कुछ न्यू लुक ट्राई किया हेयर पे। ये चुप्पे। तो मैं मंगवाई थी कॉम उडन का, एंड यूट्यूब पे मैंने देखा था कि वुडन वाला जो कॉम होता है ना, वो हेयर फॉल कम करने में मतलब फ़ायदा होता है उससे, तो ऐसे वगैरह वगैरह करके मैंने बहुत सारा वीडियो देखा। तो बहुत सारा सजेस्ट में आया था कि हाँ ये क्या वुडन वाला कॉम सबसे अच्छा होता है। तो मैंने मंगवाया था, 3 का सेट है ये मीशो से। कल नहीं रहा। तो ये है वो 3, एक ये है एंड दूसरा ये है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो है ना वो ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए जो होता है, मुझे उतना नहीं पता, बट तो वही है शायद, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और एक ये है एंड थर्ड ये तो नॉर्मल जो होता है कंघा घर का वो। तो ये 3 कौन है जो कि बहुत ही प्यार है, आप तो देख सकते हैं। और मैंने कंघी करके इससे देखी है, जिस दिन आया था ना मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैं ब्लॉग बनाने के लिए रुक नहीं सकती थी, इसीलिए मैं सो खोली जल्दी जल्दी। और इससे मुझे एक चीज़ दिखा, जो मैं प्लास्टिक वाले कंघी से कंघी करती हूँ ना, तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इससे करती हूँ तो उतना ज़्यादा मतलब बाल नहीं गिरते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बेस्ट थम्स अप इसके लिए। और अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये फर्स्ट था मीशो से जो मैंने मंगवाया था। और ये है, गेस करो क्या है। तो ये भी मैंने मीशो से मंगवाया, और इसको अभी तक खोल के नहीं दिखी, क्योंकि ये अभी अभी आया है, तो इसे खोल कर देखिए। और चीज़ कि मैं नीचे बैठ के बना रही हूँ, तो आप लोगों को शायद देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरे पास बैठने के लिए कुछ है नहीं। तो मैं अभी नीचे फर्श पे बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ, और मैं फ़ोन को कार्टून पे रखी हुई हूँ, वो बहुत सारे बॉटल के थ्रू सेट करके, तो उसे टच भी नहीं कर सकती, और नहीं टच करूँगी, पहना तो दिखाना होगा। तो ये है मम्मी, फिर से गिर गया। तो ये मैंने हील वाली सैंडल मंगाई थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। आई थिंक ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा है सच में, जितना दिख रहा था उसमें उससे ज़्यादा प्यारा है ये। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखो ये कितना प्यारा लग रहा है।
बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे। तो मैं इसे मंगवाई थी 6 नंबर, और मैं फिर से पहन के देखती हूँ कैसा होता है। कि पहन के दिखाना भी बताना भी तो जरूरी है ना आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे वेयर कर लिया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। और मेरे पैर को इग्नोर कीजिएगा, मर्दों वाले पैर हैं मेरे, तो मुझे खुद मेरा पैर पसंद नहीं है, बट मैं इसे चल के दिखाती हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसा दिखता है आगे से पीछे से, मुझे खड़ा होने में डर लग रहा है क्योंकि मुझे हील पे चलना नहीं आता, बट ये बहुत अच्छा है। और मैं जिस पे फ़ोन रख के भी वीडियो शूट कर रही हूँ, ये तो ये भी यार बहुत बेस्ट है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसका ये जो है ना, जिसकी वजह से मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, तो पहन कर धीरे धीरे चल चल कर सीखूंगी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 10 out of 10 इसके लिए, बहुत ऑसम है, बहुत पसंद है यार। तो मीसू का मेरा हॉल यहाँ ख़त्म होता है, और फिर मैंने कुछ डिज्नीलैंड से कुछ चीज़ें ली हैं, वो पहले दिखाती हूँ, फिर आपको कुछ और दिखाऊंगी। तो डिज्नीलैंड से मैंने ये सब लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें स्लीपर हैं, मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, क्योंकि अभी अभी मैंने फ़ोन को उठा पटक किया था वहाँ से, तो मैं पहले खेप दिखाती हूँ। इसमें है, मैंने लिया था खेप, ये है हेयर बैंड, मैंने ये एक हेयर बैंड लिया था, ये ऐसे वाला होता है ना, ऐसे करके लगाने वाला, ये वो है। एंड फिर मैंने एक क्लिप लिया था जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार लगा था, ये तो ये क्लिप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार लगा था, तो मैंने इसे लिया था, और शायद ये ऐसे ही यूज होता। अच्छा लगा, दोनों लगा के देखती हूँ। जोकर दिख रही हूँ यार, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पैसे वेस्ट नहीं गए, 30 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं यार, 30 के दिए थे मैंने भैया से, बोला यार प्लीज कम कर दो, 20 में मिल जाते हैं बाहर में, झूठ बोला, बट बोला नहीं, 30 मीन्स 30, तो मुझे देने पड़े 30 30 60। एंड फिर मैंने ये एक टी शर्ट टॉप, पता नहीं क्या है जो भी है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैं बैठ गई। ये आप देखो, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब आप गेस करोगे तो आप बोलोगे 250 300 ऐसे कुछ करके, आप इसका गेस करके रेट लगाओगे, बट मैं बताऊंगी तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये टी शर्ट ओनली 100 रुपीज में मिला है मुझे, और इसका क्वालिटी इतना क्या बोला तूने? अच्छा ना कि आप समझ भी नहीं सकते। मैं ना आपको ये पहन कर दिखाती हूँ यार, ये इतना खूबसूरत है और इतना कंफर्टेबल, और मेरे पे अच्छा भी लग रहा है, आप देख सकते हो। मम्मी इग्नोर मारो यार, अब देखो ये कितना ऑसम लग रहा है, उसके डिजाइन देखो, और ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल है ना, इतना ज्यादा, हाय इस गर्मी में तो राहत है इसको पहन के, बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 100 रुपीज में इतना अच्छा टी शर्ट कहाँ मिलता है, मुझे तो अभी तक नहीं मिला, शायद आप लोगों को मिला होगा, लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं मिला, और इतना खूबसूरत और इतना कंफर्टेबल और इतना, मतलब लुक वाइज ये इतना क्यूट लग रहा है ना मेरे पे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। मैंने फिर एक स्लीपर लिया जो कि इस टी शर्ट के कलर का ही है, जिसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, तो शायद मैं उल्टा दिखा रही हूँ, आओ। तो ये मैंने इसे परचेस किया 200 रुपीज़ में, मैंने इसे लिया क्योंकि ये मीशो पे
260-270 में मिल रहा था और फ्लिपकार्ट पे 300 कुछ में मिल रहा था, तो मुझे क्या डिज्नीलैंड में सस्ता ही दिखा, तो मैंने ले लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं पहन के दिखाती हूँ। ये बहुत कंफर्टेबल है, मुझे ये बहुत प्यारा लगा। आप देखो मेरे पैर को प्लीज इग्नोर मारना, बहुत ज्यादा गंदा दिखता है, बहुत ज्यादा। तो मैं डिज्नीलैंड में बस इतना ही कुछ ली थी और कुछ शॉपिंग मैंने जीतू से किया था, चोट लग गया तो ये बहुत सस्ता था तो ले लिया। पता है अभी एक फैन चल रहा है, ठीक है, और अब पसीना देखो यार मेरे सर पे, मीन्स की इतना गर्मी है, फैन चल रहा है, उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो मैंने ये दो टी शर्ट लिया था जो कि 150-150 का दोनों पड़ा और बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो मैं ऐसे भी चेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्योंकि मैं तो टी शर्ट पहनने गई थी और खा पी कर आ रही हूँ। तो गाइस ये वही टी शर्ट है जो मैंने अभी मतलब मैं अभी वेयर करने गई थी। सर देखो यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब इसका कलर थोड़ा ग्रीन और स्काई ऐसे मिक्स अप आता है, ऐसा वाला कलर है, और इसमें कैमरा में पूरा स्काई क्यों दिख रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो टी शर्ट बहुत अच्छा है, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको। तो देखो यार कुछ टी शर्ट ही इस तरह से है और मुझे शायद अच्छा भी लग रहा है। यार अब मैं ना आपको दूसरा टी शर्ट पेयर करके दिखाती हूँ। तो लास्ट ये है हमारा टी शर्ट जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। तो ये दोनों टी शर्ट जो वो स्काई वाला था और ये शायद पिंक कह सकते हैं, ये दोनों बहुत कंफर्टेबल है और दोनों 150-150 का है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये लास्ट मेरा टी शर्ट था इसमें का, और मीशो से जो मैंने प्रोडक्ट परचेस किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको अगर लेना हो तो ले लेना। और कॉम और हिल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मीशो थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों को भी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ अपना प्यार मेरे पे बरसाए रखें, मीन्स की बनाए रखें। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। Love you.